हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीप छाया टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अधिकतर एंड्रॉयड यूजर्स के पास ये समस्या आई ही होगी। फ्रेंड्स, इस समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइस, आपसे जो मैं फर्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ उसके लिए हमें जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग आएगी, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग जाने के बाद नीचे स्क्रॉल आउट करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइड सेटिंग। साइड सेटिंग पे जाना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, अगर आप में ऑन होगा तो ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद बैक आइए। बैक आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पॉपअप एंड रिडायरेक्ट्स, इसको क्लिक करना है। इसमें जाने के बाद इसको भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कर रखा, अगर आपके मोबाइल में ऑन होगा तो आप लोग ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ से ऑफ करने पर आपके मोबाइल पर पॉपअप वाले जो ऐड आते हैं वो नहीं आएंगे। तीसरा ऑप्शन है ऐड का, ऐड वाला ऑप्शन भी मैंने अपने मोबाइल में ऑफ कर रखा है, अगर आपके मोबाइल में ऑन होगा तो ऑफ कर दीजिएगा। ये ऑन ऑटोमेटिक तब हो जाता है जब आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है, अगर वहाँ पे आप परमिशन दे देंगे तो ये ऐड वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। सो इसको ऑफ करके ही रखना है। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी ट्रिक है मोबाइल की सेटिंग की। उसके लिए हम जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे गए, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल का, गूगल में क्लिक करेंगे। गूगल में क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्स। एड्स वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको मिलेगा आउट ऑफ एड्स, इसको ऑफ कर देना है। ये मोबाइल आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है जिससे कि लाइव एड्स आने बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तीसरा ट्रिक है, उसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऑप्शन पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया, उसके बाद अगर हम उसको ओपन, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर ये नीचे किसी भी एप्लीकेशन के नीचे लिख आता है कंटेंट्स एड्स, कंटेंट्स एड्स, तो ऐसे टाइप के एप्लीकेशन आपको नहीं इंस्टॉल करने हैं। अगर ऐसे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो जो सेटिंग मैंने पहले बताई फर्स्ट और सेकेंड ट्रिक में, वो वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप अपने मोबाइल में पॉपअप एड्स, लाइव एड्स आने से बचेंगे। सो प्लीज़ ये तीन सेटिंग कीजिए जो मैंने ट्रिक्स बताई है आपको, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। फ्रेंड्स, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं अपनी अगली वीडियो आपके किस टेक्निकल प्रॉब्लम पे बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर माई यूट्यूब चैनल।